नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे यूपीपीएससी पीसीएस प्रीलिम्स आंसर की 2019। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे 15 दिसंबर 2019 को हुए पेपर की पूरी आंसर की। जी हाँ दोस्तों, सही और सटीक आंसर की। तो चलिए दोस्तों, फाइनल आंसर की पर हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। और दोस्तों इस वीडियो में पूरा प्रश्न पत्र हल आपका देखने वाले हैं और 150 में से 150 सही प्रश्नों के सही उत्तर। जी हाँ दोस्तों, अब तक आपने YouTube पर काफी हो सकता फेक आंसर की देखी हो, लेकिन दोस्तों इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर अंत तक देखना है। तो आपकी जो ऑफिशियल आंसर की आएगी दोस्तों, बहुत ही ज्यादा 1 से 2 नंबर का उसमें फर्क आएगा और ज्यादा अंतर नहीं आएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को पहले दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे आने वाली वीडियो का हर एक नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों तक शेयर भी कर दीजिएगा, जिससे कि वो भी अप टू डेट होते रहे और इस आंसर की से अपने नंबर वो मिला सके। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि आईएमएफ के नव नियुक्त प्रबंध निदेशक हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। विकल्प नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 10, 2019 को प्रतिभाशाली बच्चों के कौशल समृद्धि के प्रोत्साहन हेतु प्रारंभ किया गया राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका ध्रुव। विकल्प नंबर सी सही है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों क्या है कि सूची वन को सूची टू के साथ सम्मिलित करना था और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर आपको चुनना था। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा विकल्प नंबर डी, 4, 3 और 1, 2। मतलब दोस्तों थॉमस कुक का हो जाएगा ब्रिटिश टूर एवं ट्रेवल कंपनी, फिर दोस्तों हो जाएगा ग्रेटा थनबर्ग का हो जाएगा पर्यावरण कार्यकर्ता, फिर दोस्तों डॉक्टर उषा किरण का हो जाएगा भारत भारती सम्मान की विजेता, कैरी लेम का दोस्तों क्या हो जाएगा आपका हांगकांग के नेता। चौथा क्वेश्चन दोस्तों पेपर में क्या आया था आपके कि वर्ष 2019 अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दूसरी बार किसी महिला को दिया गया, इस पुरस्कार से सम्मानित होने वाली प्रथम महिला कौन थी, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका एलिनार ओस्ट्रॉम। पांचवा क्वेश्चन दोस्तों क्या आया था, सितंबर 2019 में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा प्रारंभ की गई ग्रामीण स्वच्छता रणनीति निम्न में से किस अवधि से संबंधित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2019 से लेकर 2029 तक। छठा क्वेश्चन, भारतीय भाषाओं का केंद्रीय संस्थान निम्नलिखित में से किस स्थान से मतलब अवस्थित है, किस स्थान पर अवस्थित है, इसका सही आंसर होगा आपका मैसूर। विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। सातवां क्वेश्चन, भारत द्वारा भूमि क्षरण तटस्थता प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया है 2030 तक। आठवां क्वेश्चन दोस्तों, चंद्रयान 2 अंतरिक्ष यान को प्रक्षेपित करने के लिए इसरो द्वारा किस जियो सिंक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान का प्रयोग किया गया था, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका GSLV MK3 M1। नौवां क्वेश्चन दोस्तों, भारत के सबसे बड़े चरखे के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों इसका उद्घाटन नोएडा में हुआ, यह उपयोग के लिए प्लास्टिक कचड़े से बना है, तो दोस्तों इसका विकल्प नंबर 1 और 2 दोनों सही है। दसवां क्वेश्चन दोस्तों आया था कि निम्नलिखित में से किस जीव का रक्त सफेद होता है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका तिलचट्टा, विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है, इसको ध्यान में रखना है। उसके बाद हम बात करेंगे 11 नंबर क्वेश्चन की कि नाइट्रोजन स्थिरीकरण जीवाणु किस पौधे की जड़ के साथ संयोजन करते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका दालें। 12वां क्वेश्चन दोस्तों, जब किसी साबुन के बुलबुले को अवशोषित मतलब आवेशित किया जाता है तो निम्न में से क्या घटित होता है, तो दोस्तों इसमें आपकी क्या होती है, त्रिज्या बढ़ जाती है। फिर 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा कि निम्नांकित में से कौन सा सही सम्मिलित नहीं है, आपको ये बताना है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका रेयन का रूपांतरित स्टार्च। 14 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ प्रोटीन नहीं है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका कपास, विकल्प नंबर ए। 15 नंबर क्वेश्चन क्या आता है पेपर में कि थर्मस फ्लास्क में लंबे समय तक तरल ठीक है गर्म या ठंडा रहता है क्योंकि उष्मा की कोई हानि अथवा प्राप्ति नहीं होती, तो दोस्तों क्या सही आंसर होगा, संचालन संवहन एवं विकिरण, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर ए और बी मतलब दोनों करेक्ट है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या आता कि मानव शरीर में निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथियां अंतःस्रावी एवं बहिःस्रावी दोनों प्रकार की ग्रंथि है, इसका सही आंसर होगा सी विकल्प अग्नाशय। 17 नंबर क्वेश्चन क्या आता कि निम्नलिखित में से किस पदार्थ में कैल्शियम विद्यमान है, तो सही आंसर दोस्तों क्या होगा इसका जिप्सम। 18 नंबर क्वेश्चन क्या आता कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो सही आंसर होगा दोस्तों सिल्वर ब्रोमाइड या कृत्रिम प्रकाश संश्लेषण। 19 नंबर क्वेश्चन, तुलसी के पौधे का औषधीय महत्व निम्नांकित की उपस्थिति के कारण होता है, क्या सही आंसर होगा दोस्तों आपका फिनाल एवं फ्लेवेनाइड, विकल्प नंबर सी। जी हाँ दोस्तों आपका विकल्प नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों 20 नंबर क्वेश्चन क्या आता पेपर में, इकोसिस्टम के संबंध में निम्न में से क्या सत्य है, तो दोस्तों उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक है, ये सी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। तो दोस्तों 21 नंबर क्वेश्चन क्या आता पेपर में, सुपोषण के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना है,
तो दोस्तों यहाँ पर एक और दो दोनों सही है, मतलब यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, मतलब एक और दो दोस्तों यहाँ पर दोनों करेक्ट आंसर हैं। अब देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 22 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका कि मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका, एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण, ठीक है, विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों 23 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सत्य नहीं है आपको ये बताना है, इसका विकल्प नंबर ए सही होगा, मतलब भूमध्य रेखा से ध्रुव की ओर जाति विविधता में वृद्धि होती है, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत कथन है, तो लेकिन इसके लिए सही आंसर तो यही हुआ। 24 नंबर क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा वायु प्रदूषण के जैविक सूचक का प्रसिद्ध उदाहरण है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लाइकेन्स, ठीक है ना, विकल्प नंबर ए। 25 नंबर क्वेश्चन क्या आया था दोस्तों पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर डी, पास्तुरीकरण मतलब क्षय। 26 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक शाकनाशक का उदाहरण है, तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका, सोडियम क्लोरेट। 27 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, गैस जो धान के खेत से उत्सर्जित होती है तथा भूमि के तापमान में वृद्धि करती है, वह दोस्तों क्या आपका, वह आपका है मीथेन, विकल्प नंबर डी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 28 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि अंतरराष्ट्रीय सौर संगठन, ठीक है ना, ISA का सचिवालय वर्तमान में निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका गुरुग्राम। 29 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, 100% सौर ऊर्जा पर चलने वाला भारतवर्ष का पहला केंद्र शासित प्रदेश है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका दीव। 30 नंबर क्वेश्चन क्या था कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरी को कारण आर कहा गया है। देखिए कथन ए में मानव विकास सूचकांक, ठीक है ना, HDI एवं सतत विकास लक्ष्यों की SDG पर आधारित भारतीय राज्यों की वरीयता में धनात्मक संबंध है, इसका कारण बोला गया SDG लक्ष्यों के आधारभूत आयाम शिक्षा एवं स्वास्थ्य से घनिष्ठता के साथ अंतर संबंधित है, तो दोस्तों ए और आर दोनों सही है, मतलब इसका रीजन भी सही था और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। फिर 31 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, बहुआयामी निर्धनता सूचकांक में सम्मिलित होता है क्या क्या दोस्तों, स्वास्थ्य शिक्षा जीवन स्तर, मतलब दोस्तों एक दो और तीन तीनों सही है, मतलब विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 32 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में व्यवस्थित करें और नीचे दिए गए कूटों के सही उत्तर आपको चुनना है, तो सही आंसर दोस्तों 1, 3 और 4, 2, मतलब वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, फिर दोस्तों प्रोजेक्ट टाइगर, फिर दोस्तों आपको आएगा प्रोजेक्ट हाथी, फिर जैव विविधता अधिनियम। 33 नंबर क्वेश्चन क्या था पेपर में आपके कि नागरिक पंजीकरण प्रणाली CRS के अंतर्गत कितने दिनों के भीतर जन्म तथा मृत्यु की घटना को भारत में रजिस्ट्रेशन कराना कानूनी रूप से अनिवार्य है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 21 दिन के अंदर। फिर 34 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण NFHS 5 सम्मिलित नहीं करता है, ठीक है दोस्तों क्या सम्मिलित नहीं करता है, इसका सही आंसर होगा आपका मृत्यु का पंजीकरण, विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर 35 नंबर क्वेश्चन क्या था कि पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र पर्यावरणीय क्षति एवं प्रति व्यक्ति GDP के मध्य संबंध दर्शाता है, इस पर्यावरणीय कुछ नेट्स वक्र का आकार किस प्रकार का होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा उल्टा यू आकार का, किस किस तरह दोस्तों, उल्टा यू आकार का। 36 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए दोस्तों, एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, अब दोस्तों देखते हैं कथन पहले क्या लिखा है यहाँ पर, सतत विकास मानव समाज के कल्याण हेतु महत्वपूर्ण है, कारण दोस्तों बोला गया सतत विकास से अभिप्राय ऐसे विकास है जो भावी पीढ़ियों की जरूरतें पूरी करने की योग्यता को प्रभावित किए बिना वर्तमान समय की आवश्यकता पूरी करें, तो दोस्तों समझ गए होंगे दोनों भाई कथन ए और आर दोनों सही है तथा आर कथन ए की सही व्याख्या भी करता है। 37 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रत्यक्ष लाभ योजना को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड द्वारा विश्व की सबसे बड़ी प्रत्यक्ष लाभ योजना माना गया है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पहल, विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा, तो 237 का क्या सही आंसर था आपका यहाँ पर बी विकल्प। फिर 38 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में आपका कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है दोस्तों, तो मतलब यहाँ पर एक दो और तीन तीनों सही, मतलब यह 75% ग्रामीण और 50% शहरी जनसंख्या को आच्छादित करेगी, महिलाओं और बच्चों को पोषण संबंधी सहायता पर विशेष ध्यान देगा, तीसरा 218 वर्ष आयु से अधिक की सबसे बड़ी महिला परिवार की मुखिया होगी, तो मतलब यहाँ पर 200 तीनों कथन सही है। 39 नंबर क्वेश्चन था कि भारत में पट्टेदारी सुधार के उपायों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, तो दोस्तों आप तीनों सही है, लगान का
विनिमयन अवधि की सुरक्षा, पट्टेदारी पर स्वामित्व की घोषणा। तो दोस्तों एक दो और तीन यहाँ पर तीनों आपके करेक्ट आंसर हैं। फिर 40 नंबर क्वेश्चन क्या आ गया था पेपर में आपके, कि भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के कार्यों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो दोस्तों यहाँ पर सही विकल्प होगा 1, 2, 3 और 4 सब सही है, मतलब सार्वजनिक उपयोगिता संसाधन प्रदान करना, सामाजिक और आर्थिक ऊपरी पूंजी का निर्माण, संतुलित क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विकास सुनिश्चित करना, और दोस्तों चौथा था समतावादी लक्ष्यों को आगे बढ़ाना। तो 4 विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 41 नंबर क्वेश्चन, सुएज नहर क्षेत्र में उत्तर से दक्षिण की दिशा की ओर पड़ने वाले झीलों का सही क्रम है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका लेक मंजला, लेक टिस्मा और ग्रेटर बीटल लेक और दोस्तों लिटिल बीटल लेक। तो मतलब आपका विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 42 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका, टेलीग्राफिक पठार हिस्सा है किसका दोस्तों, उत्तर एंटार्कटिक कटर का। ठीक है, तो मतलब आपका यहाँ पर ए विकल्प आपका करेक्ट आंसर है। 43 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर आपको चूज करना था। तो दोस्तों उष्णकटिबंधीय चक्रवात के विभिन्न नाम है दोस्तों फिर देश का है। तो सही आंसर दोस्तों हो जाएगा 2, 3, 1 और 4, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा, विली विलिज का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, फिर दोस्तों टेफू का हो जाएगा जापान, फिर हो जाएगा बगू यू का हो जाएगा फिलीपीन, और हरिकेन का हो जाएगा दोस्तों यूएसए। ठीक है ना, यूएसए। 44 नंबर क्वेश्चन क्या था पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा एक नगर साइबेरिया पारी रेल मार्ग पर अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सोची, विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 45 नंबर क्वेश्चन क्या था आपके पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था पवन और तेज। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर मिस्ट्रल का हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, ये दोस्तों सही आपका नहीं है। 46 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से उत्तर भी आपको चूज करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका 4, 1, 2, 3, मतलब कोयला क्षेत्र था अवस्थित थी। 4, 1, 2, 3 मतलब तालचेर का दोस्तों हो जाएगा महानदी घाटी, फिर कर्णपुरा का हो जाएगा दोस्तों दामोदर घाटी, फिर दोस्तों सिंगरौली का हो जाएगा आपका सोन घाटी और सिंगरेनी का हो जाएगा गोदावरी घाटी। तो दोस्तों 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गुरला मानता। ठीक है ना, विकल्प नंबर एक दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 48 नंबर क्वेश्चन, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, कहां पर दोस्तों, पश्चिम से लेकर पूर्व की ओर। विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 49 नंबर क्वेश्चन दोस्तों कह रहा, निम्नलिखित में से किस नदी के ऊपरी मार्ग में मीठा जल परंतु निचले भाग में, ठीक है दोस्तों, खारे जल का प्रवाह मिलता है। इसका सही आंसर होगा आपका दोस्तों लूनी नदी। 50 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या है, मोरीबंद डेल्टा निम्नलिखित में से किस डेल्टा का एक उपविभाग है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका बंगाल का डेल्टा। 51 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए दोस्तों कथन ए में क्या लिखा है, उत्तर प्रदेश में गन्ना तथा चीनी का उत्पादन महाराष्ट्र से अधिक है परंतु उत्पादकता कम है। कारण दोस्तों बताया गया कि महाराष्ट्र में अधिकांश चीनी मिलें सहकारी क्षेत्र में स्थापित हैं। दोस्तों देखिए यहाँ पर कथन ए तथा कारण आर दोनों सही है परंतु कारण आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। 52 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है दोस्तों आपको ये बताना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जरीब, एक प्रकार का कर, यहाँ विकल्प नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे दोस्तों 53 नंबर क्वेश्चन की सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर को आपको चुनना है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 1, 3 और 4, 2, मतलब दोस्तों मुल्ला दाऊद का हो जाएगा चांदायन, फिर दोस्तों हो जाएगा दामोदर कवि का हो जाएगा पद्यावती कथा, फिर दोस्तों हो जाएगा सोमनाथ का राग विभूत और अमीर खुसरो का दोस्तों हो जाएगा आशिका। फिर दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या रहा हमारा, कि निम्नलिखित राजाओं में से किसने अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा भाटा का राजा रामचंद्र सिंह, विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर बात करेंगे 55 नंबर क्वेश्चन क्या रहा हमारा, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही आंसर आपका दोस्तों 2, 3, 4, 1 मतलब राजवंश और दोस्तों राजधानी थी, तो मतलब दोस्तों पल्लव का हो जाएगा दोस्तों कांची और पांडे दोस्तों हो जाएगा मदुरा, यादव का हो जाएगा दोस्तों देवगिरी और दोस्तों काकती का हो जाएगा वारंगल। 56 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा हमारा उसको देखते हैं, निम्नलिखित स्मारकों को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है आपको और नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर चुनना है।
तो दोस्तों क्या हो जाएगा, 4-2-3-1। मतलब दोस्तों सबसे पहले अटाला मस्जिद जौनपुर, फिर दोस्तों शेर शाह सूरी का मकबरा सासाराम, फिर आएगा आपका हुमायूं का मकबरा दिल्ली, फिर दोस्तों राबिया दौरानी का मकबरा औरंगाबाद। ये सही था दोस्तों क्रम इसका। उसके बाद 57 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में आपके, कि मनसबदारी व्यवस्था के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों देखिए, मनसबदारी व्यवस्था राज्य के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया था। तो इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा केवल एक, ठीक है ना, विकल्प नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 58 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, कि सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना था और सूचियों के नीचे दिए गए कुटों का सही उत्तर आपको चुनना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर था 4-2-1-3, मतलब सूची वन और सूची टू में। मतलब सबसे पहले दोस्तों क्या था, इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में, फिर मंगलौर की संधि दोस्तों होती है आपकी 1784 में, फिर सालाबाई की संधि होती है दोस्तों 1782 में, ठीक है ना, फिर मद्रास की संधि होती है 1769 में। 59 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, कि निम्नलिखित घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना था और नीचे दिए गए कूटों का सही उत्तर आपको चुनना था। सही आंसर दोस्तों होगा इसका 4-2-1-3, मतलब सविनय अवज्ञा आंदोलन, फिर दोस्तों आता है गांधी इरविन समझौता, फिर आता है दोस्तों आपका तीसरा मतलब पहला वाला पूना पैक्ट, फिर आएगा लास्ट में आपका क्रिप्स मिशन। अब बात करेंगे 60 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, असैनिक प्रशासन 1905 के संदर्भ में कौन सा कथन सही है, आपको यह बताना था। लॉर्ड कर्जन ने प्रांतीय सीमाओं को पुनर्गठित करने का निर्णय लिया, या दोस्तों पूर्वी बंगाल और आसाम नामक एक नया प्रांत बनाया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका 1 और 2, दोनों यहाँ पर करेक्ट आंसर था। अब फिर दोस्तों बात करेंगे 61 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, कि मुस्लिम लीग एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बीच राजनीतिक गतिरोध को दूर करने के लिए CR फार्मूला किसने बनाया। तो दोस्तों ये आपको बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका राजगोपालाचारी, विकल्प नंबर बी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 62 नंबर क्वेश्चन, दी राइज एंड ग्रोथ ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म इन इंडिया के लेखक थे। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका विपिन चंद्र। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत के संविधान की किसमें पर्यावरण संरक्षण एवं संवर्धन तथा वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं। इसका सही आंसर होगा दोस्तों विकल्प ए और बी दोनों, मतलब केवल राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, केवल मूल कर्तव्यों में, मतलब दोनों यहाँ पर सही आंसर है। तो 64 नंबर क्वेश्चन दोस्तों क्या हो जाएगा, मतलब इसका विकल्प नंबर सी सही था ना, पंचायतों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मध्यवर्ती स्तर पर एक पंचायत होगा, ठीक है ना दोस्तों, इसमें सिर्फ विकल्प नंबर डी वाला मतलब सही है, केवल 3। 65 नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, कि मजदूर किसान शक्ति संगठन MKSS नामक सामाजिक आंदोलन भारत में निम्न में से किससे संबंधित है। इसका दोस्तों सही आंसर हो जाएगा आपका RTI अधिनियम, ठीक है, या तो अंग्रेजी में क्या बोलते हैं इसको, RTI एक्ट, विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 66 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, कि राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में गरीबी रेखा से नीचे के लिए निम्न कार्यक्रम सम्मिलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना, विकल्प नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 67 नंबर क्वेश्चन, किसने कहा भारत एक अर्ध संगठनात्मक राज्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा KC वियर ने, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। 68 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है और नीचे दिए गए कूटों में सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर 1, 2, 3, 4 मतलब सीरियल सही है, कि महाराजा हरि सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए, फिर दोस्तों भारत का संविधान लागू होता है, जम्मू कश्मीर की प्रभुसत्ता संपन्न संविधान सभा ने भारत में विलय को अनुमोदित किया, चौथा दोस्तों जम्मू तथा कश्मीर राज्य का नया संविधान लागू हुआ। अब दोस्तों देखेंगे अगला क्वेश्चन 69 नंबर क्वेश्चन क्या रहा है, कि नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। तो दोस्तों देखिए, कथन क्या था, कि केंद्रीय कानूनों का संवैधानिक वैधता के संबंध में भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अनन्य आधिकारिकता है। दोस्तों इसका कारण क्या बोला गया, सर्वोच्च न्यायालय भारतीय संविधान का संरक्षक है, ठीक है दोस्तों, इसका मतलब ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी दोस्तों करता है। 70 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या रहा, कि भारत में राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है 24 अप्रैल को, विकल्प नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 71 नंबर क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई। सही आंसर होगा इसका अनुच्छेद 43A, विकल्प नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। 72 नंबर क्वेश्चन, संविधान की प्रस्तावना का विधिक
स्वरूप क्या है? इसका आंसर होगा बी विकल्प, यह लागू नहीं किया जा सकता है। 75 नंबर क्वेश्चन क्या था आपका कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 162 के शीर्षक के संबंध में निम्न में से कौन सा सही है, आपको यह बताना है। तो इसका सही आंसर होगा डी विकल्प, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार। तो यहाँ पर डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 74 नंबर क्वेश्चन क्या ना कि निम्नलिखित में से किस मंदिर को विदर्भ के खजुराहो के रूप में भी जाना जाता है। तो सही आंसर होगा आपका दोस्तों मार्कंडेश्वर, विकल्प नंबर ए यहाँ करेक्ट आंसर है। 75 नंबर क्वेश्चन, सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना था, ठीक है ना। एक तरफ देखिए 200 तूफान हरिकेन दिया है और दूसरा सर्वाधिकता, ठीक है ना, सर्वाधिक प्रभावित प्रदेश। अगस्त सितंबर 2019 में दोस्तों पहला क्या है, क्या हो जाएगा देखिए। सही आंसर दोस्तों यहाँ पर हमारा क्या है, विकल्प नंबर बी 1 4 2 3, मतलब दोस्तों डोरियन का हो जाएगा बहामास, फिर दोस्तों क्या है KG-20 का हो जाएगा जापान, फिर लेकिमा का हो जाएगा चीन, और दोस्तों लास्ट में हो जाएगा आपका मिटाक का हो जाएगा जेजू दक्षिण कोरिया। 76 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में आपके कि अक्टूबर 2019 में भारत ने किस अफ्रीकी देश में अपना उच्चायोग स्थापित करने की घोषणा की है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सियेरा लियोन, विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 77 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि नीति आयोग के अनुसार भारत में नवाचार सूचकांक 2019 में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य शीर्षस्थ है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों कर्नाटक, डी वाला विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करेंगे 78 नंबर क्वेश्चन 78, बुकर प्राइज विजेता 2019 पुस्तक गर्ल वीमेन, ठीक है दोस्तों, अदर के लेखक लेखिका है। इसका सही आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका बर्नाडिन इवारिस्तो, डी विकल्प यहाँ करेक्ट आंसर है। 79 नंबर क्वेश्चन, विश्व महिला एकल बैडमिंटन मुकाबले में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाने के लिए पीवी सिंधु ने फाइनल मैच में किसको हराया था। तो दोस्तों सही आंसर होगा नोजोमी ओकुहारा को, विकल्प नंबर सी यहाँ करेक्ट आंसर है। 80 नंबर क्वेश्चन आया था, भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा हाल में ही भूटान में किस जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन किया गया था। इसका सही आंसर होगा दोस्तों मांग देहु विद्युत परियोजना, डी विकल्प करेक्ट आंसर है। 81 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, चित्राचार्य उपेंद्र महारथी की पुस्तक वीडु शिल्प का संबंध निम्नलिखित में से किस कला से है। इसका सही आंसर होगा दोस्तों सी विकल्प, बांस कला से। 82 नंबर क्वेश्चन क्या आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक दुनिया का पहला 100% जैविक राज्य है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका सिक्किम, भारत। 83 नंबर क्वेश्चन आया था, पैरा एथलीट दीपा मलिक जिन्हें वर्ष 2019 का राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया, किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका गोला फेंक, विकल्प नंबर सी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 84 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या था आपका, संयुक्त राष्ट्र जलवायु कार्यवाही सम्मेलन 2019 का आयोजन निम्न में से किस शहर में किया गया। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका न्यूयॉर्क, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 85 नंबर क्वेश्चन क्या था कि मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्नांकित रोग हो जाता है। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों आपका बेरी पेरी। 86 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सही युग्म सुमेलित नहीं है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा विटामिन B2 का कार्ड यकृत तेल, ठीक है। फिर 87 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, नीचे दो कथन दिए गए थे जिनमें से एक कथन ए को दूसरे का कारण आर कहा गया, इसको देखते हैं। देखिए अधिकांश विटामिन मानव शरीर में संश्लेषित नहीं किए जाते हैं, कारण दोस्तों मानव अंग केवल अनिवार्य सूक्ष्म पोषकों का ही संश्लेषण करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बोला गया ए तो सही है, लेकिन किंतु आर आपका जो दोस्तों दिया गया कारण इसका वो आपका गलत है। फिर बात करेंगे दोस्तों 88 नंबर क्वेश्चन की, क्या दिया दोस्तों कि सूची वन को सूची टू के साथ सुमेलित करना है एवं सूचियों के नीचे दिए गए कूट के सही उत्तर आपको चुनना है। सूची वन सूची टू, सही आंसर दोस्तों 2 3 4 और 1, मतलब दोस्तों केवलार का हो जाएगा संश्लेषित रेशा, टेक्सटाइल का हो जाएगा दोस्तों कैंसर रोधी दवा, फिर दोस्तों आएगा जिंक फास्फाइड का हो जाएगा रोडेंस नाशी, और फिर दोस्तों आ जाएगा नाइट्रोसुलोस का हो जाएगा आपका विस्फोटक। 89 नंबर क्वेश्चन क्या आता है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु के नमूने को हवा में खुला रखने पर कुछ समय पश्चात गायब हो जाता है, जैसे कपूर, नेप्थलीन अथवा शुष्क बर्फ। इस परिघटना को क्या बोलते हैं, इसको दोस्तों बोलते हैं ऊर्ध्वपातन, विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 90 नंबर क्वेश्चन, प्रकाश ऊर्जा का ऑप्टिकल फाइबर में संचरण निम्नांकित घटना के अनुप्रयोग द्वारा किया जाता है। सही आंसर होगा दोस्तों पूर्ण आंतरिक परावर्तन, विकल्प नंबर ए यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 91 नंबर क्वेश्चन, एंजाइमों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। ठीक है दोस्तों देखिए वे जैव उत्पूरक हैं, ठीक है ना, जैव उत्प्रेरक, और वे शरीर में
उसी स्थान पर अपना कार्य करते हैं जहां वे उत्पादित होते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर कथन एक और दो दोनों सही है, तो अगर आपने इसको टिक किया होगा तो आपको पूरे अंक दिए जाएंगे। फिर उसके बाद 92 नंबर क्वेश्चन क्या है हमारा, माँ का दुग्ध नवजात को लगभग संपूर्ण आहार प्रदान करता है किंतु इसमें निम्नलिखित का अभाव होता है, किसका दोस्तों, लौह का, ठीक है ना। 93 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित पदार्थों को उनके पहली बार प्रयोगशाला में संश्लेषण के कालानुक्रम व्यवस्थित आपको करना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 4, 2, 3 और 1, मतलब सबसे पहले दोस्तों आएगा आपका केवलार, फिर दोस्तों आएगा आपका फुलेरिन, फिर आएगा आपका ग्रेफीन, फिर आएगा ब्लैक गोल्ड। 94 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, ल्यूमेट्री है, ठीक है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा आपका पुस्तकालय सेवा। तो इसका सही आंसर विकल्प नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 95 नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, कि निम्नलिखित में से कौन सा एल्बिडो से संबंधित है, तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका वापसी की शक्ति, विकल्प नंबर डी यहाँ करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे 96 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, कि गहरी कार्बन वेधशाला, यह दोस्तों आपका DCO के संबंध में निम्न में से कथनों में से कौन सा सही है, तो दोस्तों इसका सही आंसर एक और दोनों है, मतलब यह वैश्विक अनुसंधान कार्यक्रम पृथ्वी पर कार्बन की भूमिका को आगे बढ़ाने के लिए, और यह गहरी माइक्रो बियल पारिस्थितिकी तंत्र के क्षेत्रीय अवलोकन के लिए है, ठीक है दोस्तों। तो आपके यहाँ दोनों विकल्प करेक्ट आंसर होगा। 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका क्योटो प्रोटोकॉल, मतलब जल संरक्षण, तो आपका डी विकल्प यहाँ पर करेक्ट आंसर है। 98 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए दोस्तों कथन क्या था आपका, कि उष्णकटिबंधीय देशों में तितलियों की प्रजातियां सर्वाधिक संख्या में पाई जाती है, और दोस्तों इसका कारण क्या बोला गया, तितलियां कम तापमान में नहीं रह सकती, नीचे दिए कूटों में से सही उत्तर का चयन करना है। तो दोस्तों वही है, ए और आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या भी करता है, तो इसका विकल्प नंबर एक बिल्कुल करेक्ट आंसर था। 99 नंबर क्वेश्चन क्या है दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषी स्तर से दूसरी पोषी स्तर में स्थानांतरण से ऊर्जा की मात्रा क्या होती है दोस्तों, या फिर घट जाती है, ठीक है ना, विकल्प नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। 100 नंबर दोस्तों क्वेश्चन था, कि निम्नलिखित में से कौन सा जैविक नाइट्रोजन निर्धारण से संबंधित है, तो दोस्तों 100 का सही आंसर क्या हो जाएगा, विकल्प नंबर डी हो जाएगा, नीला हरा शैवाल, ठीक है, आपका डी वाला विकल्प यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों पहले 100 क्वेश्चन हो चुके हैं, अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे दोस्तों इसकी पार्ट 2 आप सबसे पहले देख पाएंगे, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भी दोस्तों शेयर कर दीजिएगा, और वीडियो को लाइक अभी कर दीजिए। अब दोस्तों देखते हैं आज का अगला प्रश्न। तो दोस्तों 101 नंबर क्वेश्चन क्या रहा आपका, कि धुआं स्मॉग आवश्यक रूप से वायुमंडल पर निम्नलिखित की उपस्थिति के कारण होता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा सल्फर के ऑक्साइड, विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर डी आपका जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर दोस्तों 102 नंबर क्वेश्चन क्या है इसको देखते हैं हम लोग, कि निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें दुर्लभ उपलब्धि के लिए वैश्विक 500 पुरस्कार दिया जाता है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पर्यावरण संरक्षण, ठीक है। फिर 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, कि श्याम विवर होता है किसमें दोस्तों, सिमट तथा तारा, विकल्प नंबर डी यहाँ बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करेंगे 104 क्वेश्चन नंबर की, कि भारत में सबसे अधिक जैव विविधता संपन्न क्षेत्र है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका पश्चिमी घाट। 105 क्वेश्चन नंबर क्या रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सतत विकास लक्ष्यों के कार्यान्वयन के लिए नोडल संस्था है, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका नीति आयोग। फिर 106 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, कि लघु उद्योगों के लिए निम्न समितियों के कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए हुए कूटों में सही उत्तर को आपको चुनना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा, 4, 2, 1, 3, मतलब दोस्तों सबसे पहले हो जाएगा आपका कार्वे समिति, फिर दोस्तों आएगा दूसरे नंबर पर आबिद हुसैन समिति, फिर दोस्तों आपका आएगा तीसरे पर नायक समिति, और चौथे नंबर पर दोस्तों आएगा SS कोहली समिति, तो दोस्तों इसको कुछ आप ऐसे करना था, ठीक है ना। फिर अब 107 नंबर क्वेश्चन था हमारा, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों को सही उत्तर आपको चुनना है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 2, 1, 4, 3, मतलब दोस्तों क्या हो जाएगा आपका अदंत नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम 1976 हो जाएगा, फिर दोस्तों समन्वित बाल विकास योजना आपका हो जाएगा 1975, फिर दोस्तों हो जाएगा आपका राष्ट्रीय कुल कुष्ठ निवारण कार्यक्रम 1983 और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन 2005, ये सही आंसर है इसका। 108 नंबर दोस्तों क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है,
तो दोस्तों कथन क्या था कि हाल के वर्षों में भारत में महिलाओं के लिए श्रम की भागीदारी की दर तेजी से गिरावट आई है, ठीक ना। इसका कारण क्या बोला गया, पारिवारिक आय में सुधार एवं शिक्षा में वृद्धि के कारण इसे श्रम की भागीदारिता में गिरावट आई है। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर ए वाला तो सही है, लेकिन आर जो कहा गया वो गलत है। तो इसका सही आंसर होगा आपका विकल्प नंबर सी। 109 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, भारत में निर्भरता अनुपात या डिपेंडेंसी रेशियो घट रहा है क्योंकि 1547 59 वर्ष की जनसंख्या सापेक्षतया अधिक है, ठीक है ना, 15 से 59 वर्ष। 110 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा सतत विकास लक्ष्य SDG भारत में 2030 तक सभी के लिए पानी की उपलब्धता और इसके स्थायी प्रबंधन को लक्षित करेगा। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका SDG 6, ठीक है ना। इसका विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब दोस्तों बात करेंगे आपका 111 नंबर क्वेश्चन, समृद्धि की सीमा की अवधारणा का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा क्लब ऑफ रोम, विकल्प नंबर ए। 112 नंबर क्वेश्चन, वर्ष के अधिकांश हिस्से में बेरोजगार रहने वाले व्यक्तियों की संख्या को कहा जाता है, इसको बोलते हैं दोस्तों सामान्य स्थिति बेरोजगारी। 113 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व CSR के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, दोस्तों आपको ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल वन, मतलब कंपनी एक्ट 2004 मतलब 14 ने CSR, ठीक है दोस्तों, को अनिवार्य बना दिया। तो कंपनी एक्ट 2014 ने CSR को अनिवार्य बनाया, ये दोस्तों कथन आपका यहाँ पर सही आंसर है। 114 नंबर क्वेश्चन क्या आया था, जीवन की भौतिक गुणवत्ता सूचकांक, ठीक है दोस्तों PQLI किसके द्वारा विकसित किया गया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों मोरिस डी मोरिस। फिर बात करेंगे 115 नंबर क्वेश्चन की, कि भारत का वैश्विक भूख सूचकांक क्या है, आपको दोस्तों होता है GHI 2017 में क्या स्थान है। तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका भारत का 100वां। 116 नंबर क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 में सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों 2 3 1 4, मतलब दोस्तों क्या होगा माकपी का हो जाएगा दोस्तों भूमध्य सागर के तटीय क्षेत्र, फिर दोस्तों क्या होगा फिम्बल्स फिम्बस का हो जाएगा दोस्तों आपका हो जाएगा दक्षिणी अफ्रीका, फिर दोस्तों चैपरेल का हो जाएगा आपका कैलिफोर्निया, और दोस्तों मेटोरोयल का हो जाएगा चिली। फिर 117 नंबर क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोस्तों इसका सिंपल सा आंसर था 1 2 3 4, मतलब आमने सामने मिलाते जाना था। उज्बेकिस्तान को दोस्तों हो जाएगा ताशगंद, ताजिकिस्तान को हो जाएगा दुशांबे, किर्गिस्तान को हो जाएगा दोस्तों बिश्केक, और तुर्कमेनिस्तान का हो जाएगा असगाबाद, ठीक है ना। फिर आप 118 नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, सूची 1 को सूची 2 में सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर आपको चुनना था। तो दोस्तों यहाँ पे एक तरफ आपका प्राकृतिक वनस्पति और दूसरा क्षेत्र लिखा था, तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या था 2 3 और 4 1 के क्रम में रहेगा, मतलब अधिजीवी वनस्पति दोस्तों क्या हो जाएगा भूमध्य रेखीय, फिर दोस्तों बबूल हो जाएगा आपका सहारा, फिर दोस्तों हो जाएगा बैव मतलब हो जाएगा सवाना, फिर देवदार का दोस्तों हो जाएगा आपका भूमध्य सागरी। 119 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, आपको ये बताना है, सही नहीं है, इसको हाईलाइट करेंगे हम लोग, ठीक है ना। तो एक तरफ दोस्तों आपका जनजाति दिया गया था, दूसरी तरफ स्थान दिया गया था, तो सही आंसर होगा दोस्तों आपका किर्गिक का सूडान, ठीक है ना, विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अब बात करेंगे दोस्तों 120 नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में, कि नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें से एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन ए में दोस्तों हिंद महासागर कई बड़ी शक्तियों का सैनिक अड्डा बन चुका है, तो दोस्तों इसका कारण क्या बोला गया, हिंद महासागर को निकटवर्ती देशों को बहुत भौगोलिक राजनीतिक लाभ है। तो दोस्तों देखिए इसका सही आंसर होगा कथन ए तथा कथन आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए को सही व्याख्या भी करता है, जी हाँ दोस्तों इसका ए विकल्प बिल्कुल यहाँ करेक्ट हो जाएगा। 121 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या है, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है, आपको ये बताना है। सबसे पहले दोस्तों हो जाएगा आपका सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर दोस्तों मैकाल होगा, और फिर छोटा नागपुर, इसका विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 122 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है, ठीक है ना। तो कथन दोस्तों क्या है, भारत में सर्वाधिक सघनता वाला भूकंपीय क्षेत्र हिमालय क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। फिर आर कथन इसका मतलब कारण, हिमालय में कई अनुदैर्ध्य उत्क्रम क्षेत्र अवस्थित है। तो दोस्तों मतलब कथन आपका ए तो ए और आर दोनों सही है, तथा कारण आर कथन ए को सही व्याख्या भी करता है।
फिर 123 नंबर क्वेश्चन, मणिपुर पहाड़ियों से घिरा इंफाल बेसिन एक सुंदर उदाहरण है किसका? तो सरोवरी मैदान का ना, ठीक है। 124 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, निम्नलिखित नदियों में से कौन सा अपने भ्रंश घाटी प्रवाह के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका दामोदर, विकल्प नंबर बी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 125 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि निम्नलिखित प्राकृतिक प्रदेश में से किसे बड़े शिकारी की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा आपका उष्ण कटिबंधीय सवाना प्रदेश, यह विकल्प नंबर डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों 126 नंबर क्वेश्चन क्या रहा कि हिमालय पर्वत श्रेणी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? दोस्तों आपको ये बताना है, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों केवल दो और तीन, मतलब लघु हिमालय की पर्दार चट्टानों में समुद्री जीव जंतुओं के जीवाश्म मिलते हैं। तीसरा पॉइंट था दोस्तों आपका बाह्य हिमालय या शिवालिक हिमालय में मानव सभ्यता के अवशेष मिले हैं। ये दोस्तों दोनों विकल्प आपको यहाँ पर क्या थे? करेक्ट थे। फिर दोस्तों 127 नंबर क्वेश्चन क्या आया था कि नीचे दो कथन आपको दोस्तों दिए गए हैं जिनमें कथन को ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए दोस्तों कथन ए में अकबर ने शेरशाह की तरह राज्य के सिक्कों के प्रचलन को नियमित करने का प्रयास किया है, और दोस्तों उसका कारण क्या था? शेरशाह की मुद्रा पद्धति के समान अकबर के समय का ताम्र का प्रमुख सिक्का दाम था, ठीक है ना। तो इसका सही आंसर दोस्तों कथन ए और आर दोनों दोस्तों सही है, तथा कारण आर कथन ए की सही व्याख्या भी यहाँ पर करता है। 27 का दोस्तों 127 का ए विकल्प सही है। 128 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित युद्धों को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो सही आंसर दोस्तों था 2, 1, 3 और 4, मतलब दोस्तों सबसे पहले बिलग्राम का युद्ध, करनाल का युद्ध, फिर दोस्तों धर्मत का युद्ध और जजायु का युद्ध। 129 नंबर क्वेश्चन, हठ योग के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है आपको ये बताना है? तो इसका सही आंसर दोस्तों 1 और 2 दोनों होगा, मतलब हठ योग नाथ पंथियों के द्वारा अपनाया जाता था, हठ योग क्रिया को सूफी संतों ने भी अपनाया था। फिर दोस्तों बात करेंगे 130 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी एक विशिष्टता इकता व्यवस्था की नहीं दोस्तों ये बताना है। तो इसका सही आंसर होगा सी विकल्प, मतलब इकता से एकत्रित राजस्व सीधा सुल्तान के खाते में जाती थी। तो दोस्तों हमें ये बताना था भाई कौन सी व्यवस्था नहीं थी। उसके बाद दोस्तों बात करेंगे अगला क्वेश्चन हमारा 131 नंबर कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। इसका सी विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों आपका तुगलक नामा का हो जाएगा, इब्न बतूता। फिर 132 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में, नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था? इसका सही आंसर होगा आपका 1872 में। 133 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो इसका सही आंसर दोस्तों था आपका 2, 3, 1, 4, मतलब दोस्तों क्या था, पाबना का हो जाएगा दोस्तों 1873 से 85, फिर दोस्तों हो जाएगा एका का हो जाएगा 1922, फिर संथाल का हो जाएगा दोस्तों 1855 से 56, ताना भगत का हो जाएगा 1914। 134 नंबर क्वेश्चन क्या आया था आपके पेपर में कि निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये बताना है। तो सांप्रदायिक निर्णय 1933, खाली इसको ध्यान दिया करिए दोस्तों, जहां पर नहीं लिखा है ना तो वो थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है आप लोगों के लिए। फिर उसके बाद बात करेंगे 135 नंबर क्वेश्चन, निम्न घटनाओं को कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कूटों में से सही उत्तर आपको चुनना है। तो दोस्तों 4, 2, 1 और 3, मतलब सबसे पहले दोस्तों फिरोज शाह मेहता की मृत्यु होती है, फिर दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है, फिर दोस्तों साइमन आयोग की नियुक्ति होती है, फिर दोस्तों महात्मा गांधी की दांडी यात्रा होती है। 136 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, आईएनए के अधिकारियों पर मुकदमा चलाया गया था लाल किला दिल्ली में। 137 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। देखिए दोस्तों कथन ए में क्या था कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना वारेन हेस्टिंग्स के काल में हुई थी और उसने सर विलियम जोन्स के पक्ष में उक्त विद्वत संस्था की अध्यक्षता का प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया। इसका दोस्तों कारण क्या कहा गया? वारेन हेस्टिंग्स स्वयं एक उद्भट विद्वान तथा प्राची विद्या का प्रखर समर्थक था जो संस्कृत फारसी व अरबी के अध्ययन को प्रोत्साहित करता था। देखिए दोस्तों ए और आर दोनों सही है, लेकिन आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। इसका विकल्प नंबर बी दोस्तों यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। 138 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय पंचांग के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों आपको ये बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा डी विकल्प, ना तो ए सही है ना ही बी सही है, मतलब यहाँ पर दोस्तों दोनों आपके गलत हैं। फिर दोस्तों बात करेंगे 139 नंबर क्वेश्चन की कि किस वर्ष में अकाउंटिंग को ऑडिटिंग लेखा परीक्षा से अलग किया गया था तथा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्य केवल सरकारी लेखा तक ही सीमित रह गया था?
तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 1976। विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर सी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। 140 नंबर क्वेश्चन क्या रहा, भारत में नियोजित विकास का विरोध किसने किया था, तो इसका सही आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। 141 नंबर क्वेश्चन, नीचे दो कथन दिए गए हैं जिनमें एक को कथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। कथन दोस्तों ये था कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 30 अल्पसंख्यक वर्ग शब्द को परिभाषित नहीं करता है। कारण आर दोस्तों था कि संविधान केवल भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यक वर्ग को मान्यता प्रदान करता है। देखिए दोस्तों यहाँ पर ए और आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा विकल्प नंबर बी। 142 नंबर दोस्तों क्वेश्चन के लिए देखते हैं क्या लिखा है कि भारतीय संगठनात्मक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, आपको ये बताना था। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल एक, मतलब भारतीय संविधान के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। ठीक है ना, यहाँ पर ए विकल्प यहाँ पर सही था। फिर दोस्तों बात करेंगे 143 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये बताना था। तो दोस्तों सही आंसर होगा राज्यसभा की सीटों का बंटवारा, मतलब द्वितीय अनुसूची। 144 नंबर क्वेश्चन क्या आया था पेपर में आपके, कि भारत के संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा 29। 145 नंबर क्वेश्चन दोस्तों, प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा केवल वन, मतलब यह 1977 में अस्तित्व में आया, ये दोस्तों कथन आपका क्या है यहाँ पर करेक्ट है। 146 नंबर क्वेश्चन, भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची के प्रावधान निम्नलिखित में से किस राज्य में लागू होते हैं, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका त्रिपुरा। 147 नंबर क्वेश्चन, निम्नांकित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, यह आपको दोस्तों बताना है। इसका सही आंसर होगा आपका प्रतिषेध, मतलब दोस्तों हो जाएगा आपका 2B सर्टिफाइड, आपका विकल्प नंबर दोस्तों यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फिर एक तो बात करेंगे 148 नंबर क्वेश्चन, धन विधेयक भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में परिभाषित किया गया है, इसका सही आंसर होगा दोस्तों आपका अनुच्छेद 110। 149 नंबर क्वेश्चन, सितंबर 2019 में प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उद्घाटित सीमा पर पार तेल पाइपलाइन निम्नलिखित में से किन दो शहरों को जोड़ती है, तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा मोतिहारी तथा आम लेखगंज, विकल्प नंबर ए। 150 नंबर दोस्तों क्वेश्चन क्या रहा, यूनेस्को विश्व धरोहर समिति द्वारा इसके किस शहर में संपन्न हुए 43वें सत्र में जयपुर को विश्व धरोहर स्थल के रूप में सूचीबद्ध किया गया, तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा आपका बाकू अजरबैजान। ठीक है, इसका विकल्प नंबर ए यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो दोस्तों आज हमने इस वीडियो में आपको 150 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि आपके अधिक से अधिक नंबर आ रहे होंगे, और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल पर नए तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करिए तुरंत, और दोस्तों इसके बाद तुरंत आपको पेपर 2 के आंसर की देखने को मिलेगी। और इस वीडियो को एक काम करिएगा, अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक ग्रुपों में शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि आपके दोस्त भी बिल्कुल सही और सटीक आंसर की मिला सकें। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड, और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को दोस्तों लाइक तो करना बिल्कुल मत भूलिएगा, तुरंत वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं, स्टे कनेक्टेड।